दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक सवेरा समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों की समस्याओं को उठाएं, सरकार प्रशासन और संबंधित विभागों तक पहुंचाएं ताकि समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके। और इस समय मैं मौजूद हूँ सूरवीरों की धरती गांव सारबा में, जहाँ के दो सपूत जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आने का मैं आपको मकसद भी बता देता हूँ कि गांव सारबा से जो सड़क जाती है, ये सड़क जो थी वो सरकार ने शहीद शौर्य चक्र रजनीश कुमार को समर्पित की थी और सड़क का नाम रखा था शहीद रजनीश मार्ग। रामगढ़ से जो बीजापुर को सड़क जाती है, रोड जाता है, उसी से यह संपर्क मार्ग निकलता है गांव बंदराल से लेकर कोरकवाला तक। 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन सड़क जो है वो गड्ढों में समाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 में सड़क का निर्माण हुआ था शहीद के नाम पर, और उस दौरान सरकार ने ये सड़क जो थी वो शहीद को समर्पित की थी। उसके बाद ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसकी सुध नहीं ली गई। हालांकि एक बार सड़क को अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अगर बात करें तो सड़क के रख रखाव और मरम्मत की और PWD द्वारा भी ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया गया। ये सड़क जरा सीधे नाम पर डिफेंस रोड जरा सीधे नाम बनाया है, मगर सीधे नाम उपर भी गदारी करा देना। देखो तो सारा जाइए, देखो कैमरा फिरो अपने, ये सारा टुटे रोड है तो कोई सुनाई नहीं होंगी। ये रजनीश कुमार शहीद हो तो उन्हें ना दोनों पास बोर्ड लगे, 4.5 किलोमीटर रोड है, लेकिन इन्हें अजे तक रोड ठीक नहीं होया। कई बार कही चुके हैं, कई बार सारा रोडा करी चुके, लेकिन पिछले बरखा पी तो पता नहीं किन्ने बंदे पुली डिगने, नवी पुली बनी है, इतने ना कोई लुक पाई है ना कुछ। तो जो कोई मोटरसाइकिल आता जो थोड़ी जी कनी पाँदी स्लिप करिए थल, तो महाराज थोड़े चैनल माध्यम अस गौरमेंट की मैसेज भजाना चाहते हैं कि इस रोड की थोड़ी मती कुछ सुनाई हो, तो साड़ी इ रिक्वेस्ट है थोड़े अगर। मैं सारबा निवासी सारबे का बोला ना, जिसलै रोड बनया हाँ तो रजनीश ने ना पर उन्हें रखे, उन्हें उधर भी आख्या गेट लगे, उधर भी आख्या गेट लगे, कोई गेट नहीं लगे अज तक, क्योंकि हूँ मेरे ख्याल 15 साल हो गए वो डैथ भी होए थे। तो उसलै उन्हें जल्दी ये रोड बनाया वह ना रखे रजनीश का रजनीश मार्ग, तो उन्हें आख्या को भी गेट लगे एक इधर गेट लगे, अज तक कोई गेट नहीं लगे। तो अस रोड रोड है ये सारा टुटे दा डिपार्टमेंटल कुसै वेले भी दिखी सकते हैं। और जो रोड बने हाँ ये भी इन्हें रविपाल के नाम पर रखे हाँ, उन्हें आख्या रविपाल के नाम पर रोड बने, ये भी रोड नहीं अज तक बने, ये छड़े खोखले वायदे देंगे ने अज तक किया नहीं कुछ नहीं अज तक। दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सारवा गांव है, ये जो है यहाँ शूरवीरों की ये धरती है। यहाँ के दो भूमिपुत्र जो है, एक हमारे रजनीश जी थे और एक रवि पॉल जी थे, उन्होंने अपना जो है बलिदान जो है अपने देश के लिए अपनी जो है शहीद हुए। और मुझे बड़े ही दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये रजनीश मार्ग है जिन्हें या मरणोपरांत जो है सूर्य चक्र से जो है वो उन्हें दिया गया था। और उनका जो ये मार्ग है, ये इसकी हालत जो है वो बड़ी ही खस्ता है। और मैं दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री अभिषेक शर्मा जी को और हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस रोड की सुध ली जाए और इस शहीदों के जो ये मार्ग है इसको जल्द से जल्द जो है इसको बनाया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जो है बेहतर आने जाने में सुविधा मिल सके। ये शहीद रजनीश मार्ग जो बंदराल से कोरकवाला को जाता है, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई का, लेकिन सड़क की हालत देखकर जो है वो लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं वो कुछ और है। और एक साथ ही स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि सारबा से एक जो संपर्क मार्ग दौलत चक को जाता है, उस समय प्रशासन के अधिकारियों ने नेताओं ने ये भी कहा था कि वो सड़क जो है शहीद रविपाल के नाम पर बनाई जाएगी, लेकिन वो भी जो है अनकम्प्लीट है, उसे भी कम्प्लीट नहीं किया गया। और हम दोबारा एक बार प्रशासन का
लुधियाने से दिलाते हैं कि इस सड़क की हालत को सुधारा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।